अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसके वो डिस्कस करेंगे। जो स्मार्ट सिलेबस में आपके पास कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले बच्चों आपको मैं आपको पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाहता हूँ। कुछ प्रॉपर्टीज, अब सबसे पहले तो पैरेललोग्राम की शेप कुछ इस तरह की होती है ये। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये रहती है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में। अब रेक्टेंगल आपके पास कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, यानी कि उसके सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं वो 90 के इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसकी बनिस्बत जो आपकी जो पैरेललोग्राम है थोड़ी सी लेटी हुई होती है। लेटी हुई का मतलब है थोड़ी सी टिल्ट होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑपोजिट एंगल, लेट्स सपोज अगर ये एंगल एक्स है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी एक्स ही होगा। लेट्स सपोज अगर ये एंगल वाई है तो ये एंगल भी y होगा, लेकिन the length of the sides are also equal, opposite sides की length equal होगी। अगर ये side x है तो ये भी x है और अगर ये y है तो ये भी y होगा। Let's suppose अब the sum of the same side, the sum of the angles of the same side is equals to 180, like x plus y is equals to 180। अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों साइड, अब इनका भी सम अगर हम लेंगे तो x plus y का तो इक्वल टू 180 होगा। इसे हम क्या कहते हैं, सेम साइड पे जो एंगल होता है उसका सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। लेट्स सपोज ये x है तो ये वाला एंगल मुझे अगर फाइंड करना है y, तो मुझे अगर ये चीज फाइंड करनी है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो इस सारे का भी सम क्या होगा, x plus y का सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। तो हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, ये कुछ बेसिक चीजें थी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक, सबसे पहले तो आपके पास ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, सेम साइड के एंगल का सम ले तो वो 180 के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है, फाइंड द फॉलोइंग अननोन नंबर्स हमने फाइंड करने। ये हमारे पास कुछ पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम हमारे पास दैट वाज योर एंगल m डिग्री और ये आपके पास क्या है 75 डिग्री और ये आपके पास क्या है n डिग्री। दैट वाज योर x और दैट वाज योर y डिग्री। वी नीड टू फाइंड आउट द फॉलोइंग अननोन नंबर। इसमें जितने भी हमारे पास अननोन्स है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। अब सबसे पहले देखें ऑपोजिट साइड, मैंने अभी स्टार्ट में बताया ऑपोजिट साइड के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो कह रहे हैं राइट इट एज n इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, n इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। अब दूसरी बात मैंने आपको कहा, अगर n 75 है तो ऑपोजिट साइड्स के सम का एंगल क्या होगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं n प्लस x n डिग्री, x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। ये तो आपके पास हो गया अगर ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये तो आपके पास ऑपोजिट एंगल का सम क्या हो गया, एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। उसके बाद ये क्या है, कंसेक्टिव एंगल। कंजक्टिव एंगल्स का मतलब है आप दोनों साइड का सेम साइडों के एंगल्स का सम लेंगे वो कंजक्टिव है। अब आपके पास n क्या है, आपके पास 75 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x आपके पास क्या आ जाएगा 180 माइनस 75 और x इज इक्वल्स टू आपके पास 105 डिग्री आ गया। अब आपके पास x आ गया, अब अगेन x ऑपोजिट साइड का एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो x इज इक्वल्स टू m होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं x डिग्री इज इक्वल्स टू m डिग्री। तो अगर x इज इक्वल्स टू m डिग्री है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं m इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। अगर ये m इज इक्वल्स टू 105 डिग्री है तो अब हमारे पास y रह गया। अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये पूरे सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ये सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 1। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं x plus y is equals to 180 डिग्री, दैट वाज योर सप्लीमेंट्री एंगल, सप्ली
ट्री एंगल। अब एक्स आपके पास क्या है, एक्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट की हुई है, दैट वाज 105 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 105, तो वाई हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से 75 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पैरेललोग्राम का ही है और वो कुछ इस तरह का है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। अब यहां पे क्या लिखा है, 5m प्लस 10 डिग्री है आपके पास ये वाला एंगल, दैट वाज 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, 4। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये 11x डिग्री। ठीक है, हमने अननोन अननोन हमारे पास एक तो m आ रहा है और x आ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो ये मेरे पास a है, ये b है, सॉरी b c और d। शेप थोड़ी सी मेरी टेढ़ी सी बनी है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। ऑपोजिट एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 55 इज इक्वल्स टू 11x। अब x मुझे अगर फाइंड करना है तो कैन आई राइट इट एज 55 ओवर 11 और x मेरे पास क्या आ जाएगा 5। 11 5 और क्या होता है 55। अब x फाइंड कर लिया, अब अगेन मुझे क्या m फाइंड करना है, तो ये तो था मेरे पास ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये तो था मेरे पास ऑपोजिट एंगल्स। अब ये क्या है मेरे पास, कंसेक्टिव एंगल्स को मैं ऐड कर देता हूं, 5m प्लस, यानी के कैन आई राइट इट एज एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 1, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल ए मेरे पास क्या है, एंगल ए मेरे पास है 55 डिग्री प्लस 5m प्लस 10 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये मेरे पास 55 प्लस 10 मेरे पास हो गया 65 प्लस 5m इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5m इज इक्वल्स टू 180 माइनस 65, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 5m इज इक्वल्स टू 115। और x को जब m को जब मैं फाइंड आउट करना है तो 115 डिवाइडेड बाय 5, तो m इज इक्वल्स टू 23 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करते हैं, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। क्वाइट इजी क्वेश्चंस, क्वेश्चन 5। ठीक है, अगेन 55 डिग्री, ये भी 55 है मेरे पास, दैट वाज 8 साइड है और ये है 8m माइनस 4m, ये 10 है, तो 4m प्लस n। क्वेश्चन नंबर मेरे पास क्या है, ये 5। अब मुझे क्या अननोन्स फाइंड आउट करने, अब अननोन्स फाइंड, मैंने आपको कहा ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल, जैसे ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं ऑपोजिट साइड भी सेम होती है, तो कह रहे राइट इट एज 4m प्लस n इज इक्वल्स टू 10 और 8m माइनस 4m इज इक्वल्स टू 8। दो इक्वेशन मेरे पास आ गई, दो इक्वेशंस, दैट वाज योर फर्स्ट इक्वेशन और दैट वाज योर सेकंड। अब m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं वेरिएबल दो से दो इक्वेशंस के सेम कर लूं या इनको साइमल्टेनियसली एक वैल्यू निकाल के पुट कर लूं। तो मैं क्या करता हूं, बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट कर लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है,
इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 4 जा 8m प्लस 2n 10 2 जा 20 दैट वाज योर इक्वेशन 3 नाउ सबट्रैक्टिंग 1 एंड 2 1 एंड 3 सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3 क्या करते हैं 8m माइनस 4n इज इक्वल्स टू 8 अगेन 8m माइनस प्लस 2n इज इक्वल्स टू 20 ठीक है अब ये तो हो गया मेरे पास अब मुझे क्या करना है फाइंड आउट सम इनका मैं साइन चेंज करने हैं प्लस है तो ये माइनस हो गया ये भी माइनस हो गया ये भी माइनस तो ये दोनों टर्म कैंसिल होगी यहां पे देखिए माइनस 6 n इज इक्वल टू अब मैंने क्या किया माइनस 8 माइनस 20 तो मेरे पास माइनस 12 आ गया तो n की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं माइनस 12 ओवर माइनस 6 तो n की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी n इज इक्वल टू 6 2 जा 12 n की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई अब ये इस n की वैल्यू मैं किसी भी पहली दूसरी इक्वेशन में किसी में भी पुट कर सकता हूं तो पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 2 में पुट किया तो ये हो जाएगा 8m माइनस 4 n की जगह पर 2 पुट कर देता हूं इज इक्वल टू 8m माइनस 4n इज इक्वल टू 8 तो 8m इज इक्वल टू 8m माइनस 8 इज इक्वल टू 8 और 8m इज इक्वल टू 8 प्लस 8 और 8m इज इक्वल टू 8 प्लस 8 क्या होता है 16 और m इज इक्वल टू 16 ओवर 8 और m इज इक्वल टू 2 तो m की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ गई 2 ठीक है अब m और n अगर मैं 2 पुट करता हूं तो यहां पे 2 8 2 जा 16 माइनस 8 किया तो ये 8 के इक्वल आ जाएगा इसी तरह ये भी इक्वल आ जाएगा ठीक है तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 अब क्वेश्चन नंबर 6 उसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में ऑपोजिट एंगल्स का सम सेम है ऑपोजिट एंगल्स का सम सेम है हमने इसी डायग्राम को यूज करना है और जो बाकी दो एंगल्स हमारे अननोन है वो फाइंड आउट करना है ये और ये ठीक है इनका सम मुझे क्या करना है फाइंड आउट करना है क्या करना है फाइंड आउट ये क्या है मेरे पास अगर मैं ये एक्स लेता हूं तो ये भी मेरे पास क्या होगा एक्स ठीक है अब अगर ये 55 है तो मैं क्या करता हूं 55 मैं कंजक्टिव एंगल्स फाइंड आउट कर लेता हूं देखिए क्वेश्चन मेरे पास क्या है द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 110 ये है 110 के इक्वल ठीक है फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स अब रिमेनिंग एंगल्स मुझे ये और ये फाइंड करना है अगर ये फाइंड होगा तो ये ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा तो मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं तो 55 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 55 तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 55 क्या रह गया तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में भी है इसमें से बच्चों एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है स्पेशली फेडरल बोर्ड और लाहौर बोर्ड दोनों में फेडरल बोर्ड में काफी ज्यादा चांसेस होते हैं आने के लाहौर बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा और कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह करने की इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा अल्लाह हाफिज